जोधपुर शहर की देवनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस कमिश्नर ने अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते पुलिस सतर्क और चौकस थी। इसी के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर शहर की देवनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे, जिसके बाद देवनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पटेल किराना स्टोर के पास राजीव गांधी कॉलोनी पाल लिंक रोड से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति कोटा के देवली हाल विजय गार्डन झोपड़पट्टी का रहने वाला है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय जोश मोहन जी और पुलिस उपायुक्त महोदय पश्चिम श्रीमान आलोक श्रीवास्तव साहब द्वारा अवैध शराब बिक्री रोकथाम हेतु विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसके क्रम में कल दिनांक 1/3/2021 को पटेल किराना स्टोर राजीव गांधी कॉलोनी के पास से मुखबिर इतला अनुसार पहुँचकर पुलिस थाना देवनगर की टीम द्वारा आरोपी ओमाराम पुत्र राणाराम निवासी गाँव देवली मांझी जिला कोटा को दस्तियाब किया गया और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब कुल 4 पेटी बरामद की गई और आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम अभी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से अवैध शराब के रूप में 4 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि और भी बरामदगियां की जा सके। पंजाब की सीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।